ये भी समझ लें कि ज़कात माँ बाप को और औलाद को नहीं दी जा सकती और मियाँ बीवी को नहीं दी जा सकती। यानी यूँ समझ लीजिए कि जिसको उसूल कहते हैं, असल, यानी जिनसे हम पैदा हुए हैं, हमारी माँ, हमारे बाप, और उनसे ऊपर आप अपवर्ड चले जाइए, आप माँ, माँ की माँ, उनकी माँ, माँ, नानी, पर नानी, दादा, दादी, पर दादा, पर दादी, तो माँ बाप और उनसे ऊपर जितने हमारे उसूल हैं, हमारे ऊपर जितने हैं, उनको हम ज़कात नहीं दे सकते। यानी बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, माँ, इनको ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह से जो हमसे पैदा हुए हैं, यानी हमारी औलाद, जिसमें बेटा, बेटी और पोता, पोती, नवासा, नवासी, इनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह जो मियाँ और बीवी हैं, बीवी अपने मियाँ को नहीं दे सकती, मियाँ अपनी बीवी को, शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। इसके अलावा जो रिश्ते हैं, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड तो नहीं दे सकते आप, लेकिन साइडवेज में दे सकते हैं। आप भाई, सगे भाई को ज़कात दे सकते हैं, सगी बहन को ज़कात दे सकते हैं, सगे चचा को ज़कात दे सकते हैं, सगी फूफी को दे सकते हैं, उनकी औलाद को दे सकते हैं, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, इन सारे रिश्तों को दे सकते हैं। तो सिर्फ माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इनको नहीं देंगे, और बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको नहीं देंगे, और मियाँ बीवी को, यानी शौहर बीवी को, बीवी शौहर को नहीं दे सकती। इसके अलावा सारे रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती।